न रहने को घर, न रोजी थी मयसर, सिर्फ एक फोन पर घर पहुंची मदद। नेत्रहीन दंपत्ति के जीवन में बॉलीवुड के एक अभिनेता ने कर दिया उजाला। ऐसी की मदद की खुशी से झूम उठा पूरा परिवार, अब हो गया रहने का ठिकाना। जानकारी मिलने के बाद अभिनेता ने किया ऐसा काम कि पूरा गांव कर रहा है सलाम। ऊपर वाला भी गोरख पाठक दंपत्ति से रूठा हुआ था, हमारे आप की तरह उसको दुनिया देखने के लिए आंखें नहीं थी, यानी कि वो नेत्रहीन थे, लेकिन कठिन परीक्षण से वो कभी घबराए नहीं। आंख नहीं है तो क्या हुआ, सड़कों पर मांगने खाने की कभी नौबत नहीं आई और ना ही सोचा। पाठक दंपत्ति ने परिवार को चलाने के लिए ठिकाना भी ढूंढ लिया, वे कांटे तोल कर अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे, लेकिन इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए कि परिवार के लिए मकान बना सके। इसकी चिंता नेत्रहीन दंपत्ति को खाए जा रही थी। इस बीच एक करिश्मा हुआ, कुछ लोगों की मदद से सरकारी योजना के तहत मकान बनाने का पैसा मिल गया। नेत्रहीन दंपत्ति ने अपने पुराने पूस के मकान को तोड़ दिया और सरकारी योजना के पैसे से मकान बनाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा सिर्फ मकान की दीवार ही बन पाई, अब छत के लिए कोई जरिया नहीं बचा। कुछ लोगों से पाठक दंपत्ति ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। जब इस बात की जानकारी बॉलीवुड के एक अभिनेता को हुई तो उसने तुरंत मदद कर नेत्रहीन दंपत्ति को सहारा दिया। अब आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरह से एक फोन पर नेत्रहीन दंपत्ति को छत का सहारा मिला। गोरख सीताराम पाठक शिरडी के पास कोपरगांव तालुका के खिरदी गणेश के रहने वाले हैं। गोरख और उनकी पत्नी दोनों आंखों से अंधे हैं। वे सड़क पर कांटे तोलकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। गोरख को पिछले दिनों एक सरकारी योजना से मकान बनाने के लिए 1,90,000 रुपए की मदद मिली, लेकिन इसमें घर की दीवार ही बन पाई। पाठक ने गांव और आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई सहारा नहीं बन सका। मदद की तलाश में गोरख पाठक शहर गए। उनकी मुलाकात विनोद राक्षे से हुई। पाठक ने उन्हें सारी स्थिति के बारे में बताया। जानकारी हासिल करने के बाद विनोद ने अभिनेता सोनू सूद से फोन पर बात की, साथ ही सोनू सूद को पाठक दंपत्ति का वीडियो भेजा, जिसके बाद तुरंत छत के लिए सोनू सूद ने मदद की। आपको बता दें कि अभिनेता सोनू सूद गरीबों के लिए एक मसीहा के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, जरूरतमंद लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अपने दोस्त विनोद से बात करने के बाद पाठक की जरूरत को देखते हुए अभिनेता सोनू सूद ने बिना समय गवाए पाठक की छत के लिए पैसे भिजवा दिए। अपने घर पर छत देख पाठक परिवार के लोगों ने अभिनेता सोनू सूद का शुक्रिया अदा किया। पहले भी कई बार अभिनेता सोनू सूद ने शिरडी और कोपरगांव क्षेत्र में कई जरूरतमंद लोगों की मदद की। आज फिर से एक बार पाठक परिवार को छत देकर अभिनेता सोनू सूद ने सभी का दिल जीत लिया। मैं गोरख सीताराम पाठक, मैं और मेरी पत्नी स्वाति गोरख पाठक, हम दोनों भी ब्लाइंड हैं। आशा करता हूँ मुझे कहाँ पे मिलेगी, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही अभी तक। तो उन्होंने बोला चिंता मत करो, हम आपका निवेदन सोनू सूद साहब के पास पहुँचाते हैं और उनके तरफ से आपको मदद जरूर मिलेगी। वो देश के मसीहा है और उनको सब लोग जानते हैं और ऐसे व्यक्ति है जो गरीबों की सहायता करते हैं और वो आपकी भी करेंगे।